beverage that is made by the fermented grape juice. Grapes, those are made by the fermented grapes. Wine is basically four types, okay: table wine, sparkling wine, fortified wine and aromatized wine. Basically जो wine होती है, wine अगर देखा जाए तो wine बस एक type की होती है, वो है table wine. Table wine को तीन part में तोड़ा जाता है, red, white and rosé. Red wine ही जो है उसको उसमें carbon dioxide CO2 add करा दो, CO2 add करा के एक और fermentation हो जाएगा, bottle fermentation, that is become as a sparkling wine. Okay. And next one aromatized होती है, तो aromatized में उसमें aroma add कर दो, that is become a aromatized wine. And a fortified wine में आपकी आती है मदिरा, मसाला, मलागा, इस type की जो wines होते हैं, port, ये सब जो हैं fortified wines में आती हैं. Okay, so we will discuss now regarding the sparkling wines. Sparkling wine क्या होती है? Sparkling wines एक fizzy wine है, आप इसको एक तरह से celebration wine भी बोल सकते हो, लोग celebrate करते हैं कुछ भी, जैसे birthday function हो गया, एनिवर्सरी हो गई, इस टाइप के कोई भी फंक्शन जो सेलिब्रेट करते हैं, विनिंग फंक्शंस होते हैं, तो उसमें लोग स्पार्कलिंग वाइन्स को एज अ वो यूज़ करते हैं ना, शेक करके बढ़िया इंजॉयमेंट लेते हैं. सो स्पार्कलिंग वाइन होती है, स्पार्कलिंग वाइन्स इज बेसिकली ओनली वन टाइप, दैट इज स्पार्कलिंग वाइन. बट स्पार्कलिंग वाइन में एक और वैरायटी आती है, दैट वैरायटी इज कॉल्ड शैम्पेन है ना. और आपके मोस्टली इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the difference between sparkling wine and champagne, है ना. champagne में और sparkling wine में क्या difference होते हैं? champagne और sparkling wine में major तीन difference होते हैं. champagne is a made from the champagne region, from France. and second one, champagne is made by the only three major grapes, chardonnay, pinot noir and pinot meunier. ठीक है, ये तीन ही grapes होते हैं जिनसे champagne बनती है. और चौथा जो reason है वो अभी कई स्पार्कलिंग वाइन्स और कई स्पार्कलिंग वाइन्स में भी होना शुरू हो गया है, बट मोस्टली ये शैम्पेन में ही होता था पहले. तो वो रीज़न ये है कि जो तुम्हारी शैम्पेन होती है उसका जो सेकेंड फर्मेंटेशन होता है, बाकी स्पार्कलिंग वाइन्स होती हैं वो सिंगल फर्मेंटेड होती हैं, जो बट जो शैम्पेन है उसका डबल फर्मेंटेशन होता है, पहली तो कास्क में होता है, सेकेंड फर्मेंटेशन इन द बॉटल. ओके ओके सर. और शैम्पेन में Do you know which champagne is called the king of champagne? Dom Perignon is called king of champagne. इसी तरह से beer में भी एक beer होती है, उसको बोलते हैं king of the beer. Which one is that? Do you know? That's a Budweiser. Budweiser is called king of beer.